सरपंच साहब ने अच्छा जी 50 लाख रुपए का एक मुश्त चेक दिता जी। इकट्ठा, सिर्फ ये है भी कुछ बन जाए जी और उस तो बाद भी दिता जाऊगा। और मेरा ख्याल अज तक इस पंचायत को कदे 50 लाख रुपए का फंड इकट्ठा नहीं मिले जी। 10 साल अकाली सरकार रही है जी। किसी पुराने बंदे नूं पूछ लियो, जगदेव सिंह जी खड़े ने या होर पूछ लियो, भी 50 लाख रुपया कदे एक बारी नहीं आया जी। गलियां नालियां वास्ते मिले, सिर्फ गलियां वास्ते यार होर आना। अच्छा जी, 50 लाख का इकट्ठा चेक दिता पिछले हफ्ते मंत्री जी ने। कोई होर वड्डा प्रोजेक्ट रणजीत नगर वास्ते जी? वड्डे प्रोजेक्ट इत्थे तां देखो यही है, जिहड़ी इहदी डिवेलपमेंट होवे पहलां, जिहड़ी बेसिकली साडियां मुढ़लियां समस्यावां ने वो हल होण। इत्थे पब्लिक रह रही है, एडा वड्डा एरिया है, लोग रह रहे ने, उहनां नूं जिहड़ियां मुढ़लियां सहूलतां ने वो प्राप्त होण। बाकी तां गल्लां बाद च सोचियां जांदियां ने। सर इक सवाल, जिस वाला सवाल निकलिया वी इत्थे इलीगल माइनिंग दा बहुत अपने दिहाती ते चल रिहा, लगदा कि सरकार दा ध्यान ही नहीं है, कितना ना कितने मंत्री साहब दी छवी खराब होई। इत्थे इलीगल माइनिंग कित्थे हो रही है रणजीत नगर च? नहीं नहीं, साडा बिल्कुल किसी का यहोजा विचार नहीं होंदा। साडे कोल शिकायत आउंदी, असीं तां आप अफसरां नूं कहिंदे ठीक है जी। हाँ, मतलब तुसीं कहना चाहोगे भी जे कोई इलीगल करदा ते ओह सानूं खबरदार हो जाए? दसो, सानूं भी दसो तुसीं, जे अगर तुसीं एक प्रेस दे नुमाइंदे हो, प्रेस अगर साडे कोल गल पहुँचाउंदी आ, असीं तां खुद अफसरां कोल, क्योंकि असीं जगह जगह फिर के नहीं देख सकते कोई भी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਗਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ।